क्या लगता है दिल्ली सरकार किस तरीके से काम कर रही है? सेंट्रल सरकार जो काम कर रही है किस तरह से कर रही है? सेंट्रल की सरकार, सेंट्रल की सरकार तो ठीक काम कर रही है, लेकिन जो दिल्ली की सरकार है, जो भ्रष्टाचार के बारे में हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो कहा कि ईडी मेरे पास आए, ईडी जा तो रही है, मुख्यमंत्री जी भाग रहे हैं, हम मुख्यमंत्री जी भाग रहे हैं, तो क्यों भाग रहे हो? बस ये, अगर वो अच्छा, वो उनके दिल में कोई खोट नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्यों भाग रहे हो? तो क्या लगता है आपको क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, ऐसा क्या क्या जो भाग रहे हैं ईडी से? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है उनके अंदर, कुछ ना कुछ घोटाला कर रखा है, इसलिए भाग रहे हैं ईडी से। क्या घोटाले कर रखे हैं? खुश है उनसे, बहुत ज्यादा उनके कामों से खुश है, फिर एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, सारी चीजों को लेकर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ईडी को लेकर क्यों भाग रहे हैं फिर वो? आपको क्या कारण लगता है कि ईडी को लेकर क्यों भाग रहे हैं? हमें तो लगता है कि उन्हें कुछ घोटाला है, तो इसलिए भाग रहे हैं। अगर एक मिनट, मैंने कोई गलती नहीं करी तो मैं सामने के उसमें भागूंगा क्यों? मैं तो सामने आऊंगा, अपना परिचय दूंगा, मैं ये हूँ और ये रहा, आप रिकॉर्ड देखो मेरा। तो आप केजरीवाल के काम से खुश नहीं लग रहे, इसका मतलब ये हुआ? हमने काम की बात नहीं करी, उनकी ईडी से भागने की बात कर रहे हैं। तो काम से खुश है या नहीं है उनकी? काम से क्या, उनके दो दो मंत्री तो पहले जेल में है, कितने खुश हैं? दो दो मंत्री मतलब केजरीवाल जो घोटाला कर रहे हैं, यही कह रहे हैं, देश के अंदर रहकर घोटाला कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, तो साफ जाहिर है। जब दो दो मंत्री, अगर हम ये मानते हैं कि केंद्र सरकार अगर उन पर अपनी ईडी का प्रयोग कर रही है, तो कोर्ट से उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? कोर्ट से जमानत मिलनी चाहिए ना। क्या लगता है आपको जेल जाएंगे केजरीवाल? कौन? केजरीवाल। ये ईडी जाने और केजरीवाल जी जाने, मैं इस बारे में कुछ पब्लिक नहीं जानती इस चीज़ को, है? पब्लिक नहीं जानती इस चीज़ को, तो जाएंगे अगर आप भी कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़? अगर उन्होंने घोटाला नहीं करा होगा तो नहीं जाएंगे, अगर केजरीवाल जी ने घोटाला नहीं करा है तो नहीं जाएंगे जेल, क्यों जाएंगे?